देखिए पूरा। देखिए ऊपर से कैसे पानी गिर रहा है। श्री राम भैया, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम, जो कि दुबई से रिलेटेड यहाँ पे बनाए हैं, हमारे यहाँ विरार में बनाए हैं, तो वही विजिट करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। मैं हूँ और देख सकते हैं पीछे सचिन है, तो हम दोनों लोग आज जा रहे हैं। देख सकते अपना गाड़ी अभी रेडी है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आप कैसे जाना है वहाँ पर वो सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा एंड में, और वहाँ का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते अभी यहाँ से निकलते हम लोग, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अभी पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं, ये देखो लाइन बहुत है। तो गाइस अभी मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, जबकि मुंबई में बहुत बार हुआ है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो अभी तू कभी गया है? कभी नहीं ना, अभी हम दोनों का पहली बार है एक्सपीरियंस लेना एक्वेरियम का फिश। तो चलते अभी वहाँ पे पहुँचते पहले फटाफट, अभी हम लोग आ जाए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अंडर वाटर फिश टनल, ये देखिए यहाँ से मस्त, यहाँ से टिकट मिलता है, यहाँ से टिकट लेके फिर हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग टिकट लेते हैं, टिकट लेके फिर अंदर चलते हैं। बाहर देखिए क्राउड कितना है, आज सैटरडे इसलिए क्राउड ज्यादा है। ये देखिए बाहर कपड़े वपड़े का मार्केट लगा है, कपड़े का। अभी चलते हैं यहाँ से टिकट लेते हैं। टाइमिंग देख लो, टाइमिंग क्या है, 5 बजे से 10 बजे तक। अभी अपना टिकट आ गया, ये देखिए छोटा सा पावती है, ये है टिकट। और यहाँ पे टाइमिंग देख लो, 3 साल के ऊपर का बच्चों लोग का टिकट लगेगा, अगर 3 साल से छोटे रहेंगे तो टिकट नहीं लगेगा, 100 रुपया, 100 रुपया टिकट का है। और टाइमिंग 5 बजे से 10 बजे रात तक का है। अभी चलते हैं हम लोग अंदर, ये देखिए लाइन लगा टिकट लेने के लिए। यहाँ पे देखिए मेला आनी एक्वेटोरियम प्रवेश द्वार में, यहाँ से देखिए यहाँ से अंदर जाते हैं, जा रहा हूँ अंदर, ये देखिए अपना टिकट है, चलते हैं अंदर। ये देखिए अभी जा रहा हूँ, चलते टिकट दे के फिर हम लोग अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से पूरा। ये देखिए ऐसा कुछ एंट्री गेट है, ये देखो गाइस लिटरली कितना अच्छा लग रहा है। मैं अंदर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कैसा मेरे सामने का व्यू है, ये देखिए लिटरली भाई साहब कितना ज्यादा अच्छा है। चलते हम लोग फीस देखते। सो गाइस देखो फीस लिटरली भाई कितने छोटे छोटे, कितना अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए इतने छोटे छोटे, देखो अलग अलग कलर के हैं, कोई ऑरेंज है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, बाकी देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिए यहाँ पे। तो चलते हैं अभी और आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कौन सी मछली है भाई, ये कौन सा फिश है, जिसको नाम पता होगा इस कमेंट करके बताओ, मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ। तो ये देखिए पब्लिक, ये देखो, ओ भाई साहब कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है। बाकी जो लोग विरार बसे हैं, विरार से हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, हमारे यहाँ विरार में भी ओपन हुआ, तो आप लोग विजिट करिए। देख सकते हैं इतना छोटा छोटा फिश भाई, इससे ज्यादा मोटा तो अपना उंगली है भाई साहब, अभी आप समझ लो। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आप लोग को। ये देखिए गाइस ये वाला मछली देखिए, ये देखो भाई साहब, ये देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा मस्त एकदम व्यू है, ये दोनों सेम है, ये भी ये सेम है और वो सेम है। तो अभी चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई देखो ये तो काफी ज्यादा छोटा है,
बहुत ज्यादा छोटा है भाई साहब, आप लोग चेक करो, आप लोग देखो, बहुत ज्यादा छोटा है लिटरली। ये सब मछली बहुत ज्यादा छोटा है, ये देखिए देखे। बहुत ज्यादा छोटा है गाइस। देखे। वाह सो ब्यूटीफुल, ये देखिए काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे बच्चे लोग खेलने, तो यहाँ देखिए ये कौन सा फिश है गाइस, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जिसको पता हो। एक बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है, ये देखो, ये आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे कोई भी मछली का आइडिया नहीं है, बट अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये व्यू लेना है तो आपको भी विरार आना पड़ेगा। चलते हैं और देखते हैं। अच्छा ये देखो गाइस, तो चलते अभी और आगे देखते हैं। भाई मछली सब बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखिए अभी ये देखो गाइस, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। ये देखो गाइस, व्यू चेक करो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है लिटरली। भाई इन लोग का आवाज भी नहीं जाता होगा क्या अंदर, ना जोर से मार रहा हूँ, ये काफी ज्यादा मोटा। और ये देखिए यहाँ पे व्हाइट की सिल्वर कलर की मछली है, ये देखिए वहां पे गोल्डन कलर की थी, वहां पे गोल्डन कलर की है और यहाँ पे सिल्वर कलर की है, ये देखिए कितना ज्यादा प्यारी लग रही है। ये देखिए कितना ज्यादा अच्छा है। तो चलो अभी चलते हैं, आगे चलते रहते। अरे भाई साहब ये कौन सी मछली है गाइस, तो भाई लोग ये कौन सी मछली है, ये देखो भाई आप लोग कमेंट करके बताना जिसको पता हो। ये देखो कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है भाई, लिटरली भाई साहब। ये देखिए अभी चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए काफी ज्यादा सही है, यहाँ पे बहुत सारी मच्छी है, तो चलते हैं। ये देखिए बहुत मछली है ऐसे, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे मछली है, जो कि आपको पता भी नहीं होगा, आप लोग एक बार विजिट करके आके देख लो। अभी ये बताओ, इसको पता हो ये बताओ, ये देखिए तो चलते अभी हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ से अभी एक्वेटोरियम देखने मिलेगा। हम लोग एक एरिया पूरा कवर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं उधर से एंट्री करके आप लोग जब आओगे पहले ये एरिया आपको कवर करने मिलेगा, देखने मिलेगा। अभी इधर से अभी हम लोग चलते हैं और अंदर, यहाँ पे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम मछली है, ये देखिए यही सब छोटे छोटे मछली है यहाँ पे भी। तो ये देखिए सिल्वर कलर की, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये भी साइनिंग कर रहे हैं।
ये देखिए कैसा मुंह कर रही है, इसका मुंह देखो है। तेरी ये पानी पी ली, ये देखो एक बार फिर से फिर से फिर से, ये कर कर जल्दी कर। हाँ कर ली, थोड़ा बहुत हो गया। चलो अभी आगे ये लोग देखो भाई, ये लोग कोई भी अकेले नहीं जाते हैं, ये सब अपना झुंड लेके निकलते हैं। ये देखो बाकी उधर तक कोई नहीं है, इधर पे इन लोग का झुंड है पूरा, एक लोग गिर रहा है। तो ये देखिए ये बड़ी मछली है, इसको देखो, इसको भाग गया भाग गया। बाकी देखो पानी देखो डायरेक्ट ऊपर गिर रहा है इन लोग के ऊपर। ये देखो वो देखो ये लोग क्या कर रहे भाई। भाई ये लोग यहाँ पे भी चालू हो गए, ये देखो अब ये लोग ये देखिए ये मछली कितना बड़ी है, नॉर्मल अभी तक जितने हम लोग ने देखे हैं उन सबसे बड़ा मछली है ये देखिए। नो बस ऐसे नहीं, यहाँ पे ये देखिए ये सबसे बड़ी है, इन लोग में से भी सबसे बड़ी यही मछली है। ये देखो ये सब छोटा छोटा टनल बस इसमें, ये देखिए गाइस सब मैं यहाँ पे मछली काफी ज्यादा बड़ी फिश, दूसरा मछली ये देखिए, इसका जो खाल है क्रोको नहीं मछली नहीं है क्रोकोडाइल है, ये देखिए बट क्रोकोडाइल भी नहीं लग रहा है, बट ये क्रोकोडाइल भी नहीं लग रहा है, इसका शेप वैसा है बस। ये देखिए बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। आ जा ऊपर आ, बाहर आके दिखा दम हो तो आ जा इधर आ जा, चल तेरे को बाहर बहुत बड़े पानी में लेके चलता हूँ, छोटे मोटे पानी तेरे लिए नहीं, आ जा। ए देखे अरे उधर कहाँ जा रहा है, इधर आना इधर आ इधर आ, चल आ जा आ जा बाहर आ बाहर, तोड़ तोड़ अबे तोड़, तू डर किससे रहा तू, यहाँ का राजा है तोड़ दे। तो चलो गाइस मजाक मस्ती चलती रहती है, अभी यहाँ से चलते हैं, अभी हम लोग और आगे देखते हैं टनल। तो ये देखो यहाँ की सबसे बड़ी मछली, ये देखो जिसको नाम पता हो गाइस कमेंट करके बता दो, एक उधर है और एक उधर अंदर है, देख सकते हैं दो है, और यहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है ये देखिए। बाकी आप लोगों को कैसा, कॉपीराइट मैं देखूंगा, आप लोग मछली देखिए ये देखिए। तो अभी हम लोग ऐसे ही ऐसे अभी हम लोग एक बार और एंट्री करके आए थे, वो हम लोग राउंड लेके अभी इधर पे, अब अंदर देखिए इधर पे आपको कुछ दिख रहा है अभी इधर का, तो भाई यही तो मेन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आए यही तो मेन है। हम लोग ने आधा टनल कवर कर लिया है, अभी देखिए अभी हम लोग जाने वाले ये टनल के अंदर, देखिए पब्लिक बहुत ज्यादा आते जाते चल जा रही है, ये देखिए अभी चलते हम लोग भी अंदर। ये देखो भाई साहब लिटरली ये देखो ऊपर देखो गाइस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखिए ये देखिए ये सब छोटी छोटी मछली जो लोग मैं आप लोग को पहले ही दिखा दिया था, देखिए बाकी टनल देखिए कितना ज्यादा अच्छा, लाइटिंग वगैरह पूरा देखिए भाई साहब कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये देखिए कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और बहुत ज्यादा क्राउड हो गया बिकॉज सैटरडे है तो पब्लिक बहुत ज्यादा यहाँ पे आई है विजिट के लिए। हम लोग उधर से एंट्री करके आए हैं, ये देखो ऊपर का वेव देखो, वेव देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है,
ये देखिए यही तो मेन था यहाँ पे टनल का, इसी का तो हम लोग 100 रुपए दे के आए। आप लोग भी आओगे तो 100 रुपए दे के आओगे। इसमें मतलब यहाँ से वहां तक सब छोटी मछली है, अभी इसके इसके आगे से सब थोड़ा बड़ी बड़ी मछली ऐसा है। ये यहाँ पे छोटी मछली है और यहाँ पे बड़ी मछली का है, ये देखिए। बाकी भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ये देखिए। ऊपर देखिए मस्त मछली लोग, ये देखिए ये अकेले नीचे फंस गई है, ये ऊपर नहीं जा पा रही है, ये देखिए। ये देखो भाई कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग दुबई में आ गए। यहाँ पे आपको दुबई वाली फील आएगा, आप लोग एक बार आके देखो। तो देखिए अभी हम लोग आ गए, ये देखिए ये सब बड़ी मछली है, बट गाइस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए आपके ऊपर भी ऐसा। ये देखिए अभी चलते हम लोग आगे, बाकी आप लोग चेक करिए कितना ज्यादा। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी जो है अभी आगे से स्टार्ट है, फिर से अभी इधर है, आधा इधर है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी मछली है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ी है। ये देखिए ये छोटी है, बट ये देखिए ये बड़ी मछली है। और यहाँ पे ये छोटा बच्चा है जो कि मेरे पैर में फंस जा रहा है, ये देखिए। ये देख सकते हैं मछली को कितना ज्यादा क्वांटिटी में है मछली, देखिए पूरा मिक्सिंग है। ये देखिए भाई, ये देखो ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये देखो ये सब है ना बड़ी बड़ी मछली। ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर पानी का बबूला छूट रहा है, इधर पे मछली मस्त अपना तैर रहे हैं, पे आप देख सकते हैं। ओके और यहाँ पे सबको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, कुछ रुकेंगे तो ज्यादा पब्लिक क्राउड ज्यादा हो जाएगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इसके वजह से सबको आगे आगे भेजते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा। यही मेन था है अंडर वाटर एक्वेरियम टनल, देख लो, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बट अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग इतना तो कवर कर लिया, अभी चलते हैं आगे। ये देखिए सब लोग अपना फोटो वगैरह ले रहे हैं, बच्चे लोग मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी चलते हैं इसमें, यहाँ पे ये लास्ट टनल है, यहाँ से फिर डायरेक्ट एग्जिट है, डायरेक्ट बाहर। ये देखिए लाइटिंग वाइटिंग, उधर चल नहीं जाएगा, चलो छोड़ो इसको। ये देखो भाई कैसा लग रहा है एकदम, ऊपर ये वाले मछली चेक करो, ये देखो। बाकी ये तो आ गया उधर से, उधर से इधर आ गया, देखिए टनल देखिए कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का, आप लोगों को कैसा लग रहा है, और जो लोग विरार से हो, वैसे ही विरार से हो लोग तो फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाओ, ये देख सकते पूरा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा एकदम अच्छा था। अरे यहाँ पे मछली नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली हो, नहीं है, ये बड़ी मछली है, ये देखिए बहुत बड़ी मछली है।
ये तो अलग ही लग रहा है एकदम। देखो अरे जा 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 भाग ले भाई भाग ले भाग ले, इतने लोग दिख रहे हैं, इतने में से कोई तेरे को पकड़ लेगा तो समझ ले फिर। ये देखो बाकी पब्लिक, देखो पब्लिक कितना है, ये सब बड़ी बड़ी मछली है आप में देख सकते हैं पूरा। अरे यहाँ से डायरेक्ट बाहर देखिए, चलो ये भी टनल का हो गया, अभी चलते हम लोग बाहर देखिए। यहाँ पे ये लोग सोए पड़े हैं, अबे तुम लोग को सोने के लिए यहाँ पे लाए हैं, इंजॉयमेंट करवा भाई, पब्लिक का 100 रुपया दे के आई है, वसूल करवा तुम लोग। तभी मैं टनल से पूरा बाहर आ गया हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगा टनल आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो लोग विरार से वसई विरार से वो लोग फटाफट विजिट कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कितने देर तक और यहाँ पे रहेगा, वो सब मैं इन्फॉर्मेशन अभी बाद में देता हूँ। बाकी आप लोग देखिए अभी मैं आ गया हूँ मेला में, इधर से एग्जिट करके आप एग्जिट करेंगे जब इधर से डायरेक्ट आप लोग को ला देंगे मेला में, यहाँ पे जत्रा भी है, तो चलते हैं मेले में हम लोग, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे क्या कैसे सब कितना कितने प्राइस में, यहाँ पे सब बड़े बड़े झूले हैं उनका कितना कितना प्राइस लग रहा है, तो चलते आज हम लोग देखते हैं। ये देखिए अभी चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए बंदूक से बलून को फोड़ना है, ये देखिए अंकल को पुलिस में जाना चाहिए, अंकल का निशाना बहुत सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको 50 रुपया लगेगा पर पर्सन, बाकी ये बच्चा देखिए बंदूक चला रहा है, आप भी इसे बच्चे को सिखा रहे बंदूक चलाना, बाकी आप देख सकते हैं अभी चलते हैं और यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पे सब लाइन से खाने पीने की दुकानें हैं, ये देख सकते हैं पूरा ट्विस्टर्स, और यहाँ पे सब खिलौनों की दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े स्नाइपर रखे हुए हैं देख लो। और भी चलते हैं आगे देखते, अभी ये सब झूला चालू होगा थोड़ी देर बाद, बट अभी देखो वो वाला झूला चालू है, ये देखो ये सब गेम है पूरा एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा जत्रा लगा है आप लोग देख सकते हैं बाकी। तो चलो लाइन लाइन से आपको प्राइस भी बता देता हूँ मैं, कौन से झूले का कितना प्राइस है ये देख सकते हैं, इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लोग का, वहाँ से मस्त ऊपर से डायरेक्ट नीचे, ये देखो बच्ची को, चलो अभी ये देखो ये सब का 80 रुपये है, यहाँ पे कोई भी है इसमें जाओ उसमें जाओ या किस में भी जाओ, बड़े लोग का सब बड़े झूले में 80 रुपये ही है, ये देख सकते हैं बाकी इसमें तो कोई नहीं बैठा है। बाकी व्यू देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये देखिए ये सब ये है ब्रेक डांस, ये भी 80 रुपये है पर पर्सन, और ये तो अभी तक चालू नहीं हुआ, नहीं तो ये तो सबसे मस्त लगता है, ये डायरेक्ट ऊपर जाता है ऊपर से फिर पीछे जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये देखिए ये ट्रेन देखिए भाई, ये इसका मुंह देखिए कितना ज़्यादा है, बच्चे लोग मस्त इंजॉय, आंटी भी मस्त इंजॉय कर रही हैं, ये देखिए इसका मुँह देखिए, वाह सो ब्यूटीफुल। तो चलो अभी आगे चलते, बाकी ये देखिए देखिए टोरा टोरा राइड भी चालू हो गया है, ये देखिए टोरा टोरा राइड, और ये वाला भी चालू हो गया झूला, बड़ा झूला है, और यहाँ से सब लोग मस्त खा पी के खरीद उरीद के सब जा रहे हैं अभी यहाँ से डायरेक्ट बाहर। देखो टोरा टोरा राइड अपना रूप दिखाना चालू कर दिया है, ये देखो जैसे चकली घूमती है वैसा ही घूम रहा है, ये देखो भाई साहब। चलते अभी बाहर, बाहर जाके वीडियो को एंड कर देंगे बिकॉज ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, तो अगर आप वसई विरार से हो तो यहाँ पे आके एक बार विजिट करके देखिए, बाकी टाइमिंग वगैरह मैं सब आपको बताता हूँ। तो चलो पहले बाहर चलते बाहर जाके फिर मैं आप लोग को पूरा डिटेल देता हूँ अच्छे से। तो चलो यहाँ पे देखो एग्जिट है, चलते अभी बाहर, ये देखो इधर पे भी है, यहाँ पे बाहर भी बहुत सारे शॉप हैं देख सकते हैं।
ये देखिए तो बाहर भी बहुत सारे शॉप है, आपको अंदर भी मेले में भी शॉप मिल जाएंगे और बाहर भी शॉप मिल जाएंगे अगर आपको शॉपिंग करना है। और यहाँ से एंट्री किए थे हम लोग और उधर से एग्जिट किए, इधर से एंट्री इधर से एग्जिट। तो चलो अभी चलते हैं कि देखिए धीरे धीरे क्राउड आते ही जा रही है, जैसे जैसे रात हो रहा है वैसे वैसे क्राउड आते जा रही है। यहाँ पे स्टार बुक फेयर भी है, यहाँ से बुक वगैरह आप खरीद सकते हैं 100 रुपये। अभी मैं अंडर वाटर फिश टनल से मैं आ गया हूँ, दूर आ गया हूँ बिकॉज वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से मैं शांति में आके आपको डिटेल बताता हूँ। वहाँ पे आपको पहली बात तो स्विमिंग जो है वो 5 बजे से शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक है, आप इसके बीच कभी भी आ सकते हैं। बाकी फटाफट आओ, अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप दोपहर में आओ, दोपहर में आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी बिकॉज शाम के टाइम पे सब लोग छूटते हैं अपने जॉब वगैरह से जहाँ से भी, तो वो लोग भी आके देखते हैं, इसकी वजह से भीड़ ज़्यादा रहता है। तो आप लोग दोपहर में आओ, इस एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस रहेगा, आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 दिन और रहेगा उसके बाद यहाँ से हट जाएगा, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके वहाँ से फटाफट आप लोग विजिट करो उतना आप लोग के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ पे 3 ईयर्स के जो नीचे हैं, 3 ईयर्स के नीचे के जो बच्चे हैं उनका कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, बाकी जो 3 ईयर्स के ऊपर है उनका 100 रुपीस एंट्री फीस है, तो 100 रुपये एंट्री फीस सबका है। बाकी मेले में जो बड़े बड़े झूले जिसमें बड़े बड़े लोग जा सकते हैं उनका 80 रुपीस पर पर्सन है, बाकी छोटे बच्चों का है 50 रुपीस पर पर्सन। तो आप लोग भी आइए और अपने साथ अपने बच्चों को भी लाइए, सबको इंजॉय कराइए यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।